आज हम लाइफ हैक्स पर आपके लिए लेकर आए हैं एक ऐसी जानकारी जिसके बारे में आपका जानना बहुत जरूरी है। दोस्तों, आज हम आपको बताएंगे कि इस महाशिवरात्रि पर भूलकर भी शिवलिंग पर ना चढ़ाए ये 5 चीजें, वरना भगवान शिव नाराज हो सकते हैं। नमस्कार दोस्तों, आप सभी का हमारे YouTube चैनल लाइफ हैक्स पर हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, अगर आपने हमारे चैनल लाइफ हैक्स को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया पहले इसे सब्सक्राइब करें और हमारे चैनल पर अवेलेबल बेल आइकन को एनेबल जरूर करें ताकि हमारी आने वाली सभी वीडियोस के बारे में आपको जानकारी मिलती रहे। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं। आज हम लाइफ हैक्स पर आपके लिए लेकर आए हैं एक ऐसी जानकारी जिसके बारे में आपका जानना बहुत जरूरी है। दोस्तों, आज हम आपको बताएंगे कि इस महाशिवरात्रि पर भूलकर भी शिवलिंग पर ना चढ़ाए ये 5 चीजें, वरना भगवान शिव नाराज हो सकते हैं। आज हम आपको बता रहे हैं कि भगवान शिव को सबसे शक्तिशाली परमेश्वर माना जाता है। उनकी पूजा केवल हिंदू ही नहीं बल्कि हर धर्म किसी न किसी रूप में करता है। एक बात और, वैसे तो भगवान शिव की पूजा करने से हर मनोकामना पूरी होती है, ऐसे में भगवान शिव का एक रूप शिवलिंग भी है और शिवलिंग ब्रह्मांड का प्रतीक है। वैसे तो शिवलिंग के पूजन से सभी प्रकार की इच्छा पूर्ण होती है, पर इसके पूजन में भी विशेष सावधानियां बरतने की आवश्यकता है। और यदि आप शिवलिंग की पूजा करते हैं तो कुछ विशेष सावधानियां बरतें। भगवान शिव के पूजन के समय इन 5 चीजों के प्रयोग से बचें। नंबर 1, तुलसी पत्र ना चढ़ाएं। आपको बता दें कि भगवान शिव के पूजन के समय तुलसी पत्र ना चढ़ाएं। तुलसी को भगवान विष्णु की पत्नी रूप में स्वीकार किया है और शिवलिंग की पूजा करते समय तुलसी नहीं चढ़ानी चाहिए। नंबर 2, लाल सिंदूर ना चढ़ाएं। एक बात और बता दें कि लाल सिंदूर को सुहागन की निशानी माना जाता है और वहीं भगवान शिव को बैरागी माना जाता है, इसीलिए शिवलिंग पर लाल सिंदूर चढ़ाने की शास्त्रों में मनाही है। नंबर 3, तामसिक वस्तुएं ना चढ़ाएं। हम आपको ये भी बताना चाहते हैं कि भगवान शिव योगी माने जाते हैं और जबकि लहसुन, प्याज और बैंगन आदि सब्जियों को तामसी माना जाता है, पर ये सभी चीजें शिवलिंग पर नहीं चढ़ानी चाहिए। नंबर 4, टूटे चावल ना चढ़ाएं। हमेशा ध्यान रहे कि शिवलिंग के पूजन के समय जल चढ़ाना आवश्यक होता है और जल चढ़ाते समय ध्यान रहे कि उसमें टूटे हुए चावल न हो, क्योंकि टूटे चावल को अशुद्ध माना जाता है। एक बात और, वही साबुत चावल चढ़ाना शास्त्रों के अनुसार शुभ माना जाता है। नंबर 5, तिल न चढ़ाएं। हम आपको ये भी बताना चाहते हैं कि तिल को भगवान शिव के पूजन के समय अर्पित करना शास्त्रों के अनुसार अमान्य है। और एक और बात कि तिल को भगवान विष्णु के मैल से उत्पन्न हुआ माना जाता है और इसीलिए तिल को शिवलिंग पर अर्पित करना नहीं चाहिए। तो दोस्तों, ये था हमारा आज का टॉपिक जिसमें हमने आपको बताया कि आपको इस शिवरात्रि पर कौन सी चीजें शिवलिंग पर नहीं चढ़ानी चाहिए जिससे भगवान शिव आपसे प्रसन्न होने की बजाय आपसे रूठ जाए। तो अगर आप भी भगवान शिव को प्रसन्न करना चाहते हैं तो ध्यान रखें कि ये चीजें भूल से भी भगवान शिव पर न चढ़ाएं। उम्मीद करता हूँ आपको ये जानकारी पसंद आए। अगर आपको ये वीडियो फायदेमंद लगे तो आप इस जानकारी को अपने दोस्तों से जरूर शेयर करें। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करके ज़्यादा लोगों तक इस जानकारी को पहुँचाएँ। लाइक एंड कमेंट करके अपना फीडबैक भी दें और हमारे चैनल लाइफ हैक्स को सब्सक्राइब करना मत भूलें। कीप शेयरिंग एंड कीप सपोर्टिंग अस। हम जल्दी मिलेंगे आपको एक और नई वीडियो के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग।